नान साहब, आपको पता है कि हम बाबुन पहुंच आए, जी जी माशाल्लाह काफ़ी घटन सफ़र भी था, काफ़ी बहुत ज़्यादा पैदल जी। हाइकिंग भी थी। तो आप ये बताएं कि यहाँ पे आके आपने कैसा फील किया? सर सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमें इस जन्नत जैसी वादी में पैदा किया। माशाल्लाह, ये तो अच्छी अल्लाह का बात। लाख लाख शुक्र, हम जिस तरह मर्जी मतलब किसी तरीके से भी हम उसका शुक्र अदा करें। काम है बिल्कुल। तो यहाँ तक पहुँचना हमारे लिए बहुत मुश्किल सफ़र भी रहा है, सो बहुत अच्छा भी रहा है। ठीक है, बहुत एंजॉय किया हमारे साथ लेकिन हज़रत भाई जैसे बंदा थे। ये कुदरत नेचुरल चीज़ देखते हैं, उसकी सारी थकन वगैरह थकन सब दूर दूर हो हो जाती जाती है हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल मैं तमाम अपने जो हमें देखेंगे, देखने वाले हैं, सब दोस्तों को कहूँगा कि आप लोग भी नीलो वैली में आएँ, बाबून आएँ, इस तरह और भी मुख्तलिफ़ मकामात हैं जो पिकनिक पॉइंट हैं। ठीक है, बिल्कुल वहाँ सही तक कह आप रहे, आएँ, एंजॉय करें। अभी यहाँ पे आप देखें बहुत ज़्यादा सर्दी है, ऐसा भी जून है का महीना जा रहा है। ठीक है, और स्नोफॉल आपको नज़र आ रहा है, ग्लेशियर, जी जी तो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं हम लोग। हम तीन कज़न आए हुए हैं। ठीक जी है, बहुत ही प्यारा ट्रैक रहा हमारे लिए ये पैदल, बहुत ही एंजॉय किया इस सफ़र को। तो ऐसा ही है। मैं कहता हूँ ज़िंदगी में हमने बड़ी बड़ी जगहों पे गए, लेकिन इससे अच्छा सफ़र, इससे प्यारा व्यू हमने कहीं और दूसरी जगह पे नहीं देखे, नहीं देखा भाई। बेशक सही कह रहे हैं सर। तो मैं सबसे ये गुजारिश करूँगा कि वो लोग भी यहाँ तक आए। अभी तो माशाल्लाह रोड भी बन रही है हमारे फौज की तरफ देखो से, यहाँ पे तो सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि रोड आ गई है। रोड ठीक आ है, गई है। एक वक्त ये ऐसा था कि हम हम लोग यहाँ पे अपनी पैदल आते थे। सबसे बड़ी बात ये है कि बड़े भाई हम अपनी पाक फौज को बहुत सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने इतना ही मेहनत की ताकि इस रोड को यहाँ पर